जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को आप लोग हिट कर लें। तो आज हम अगली क्लास के साथ हाजिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहली साइड जो है ना वो हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। जब भी मैं ये जो है ना ये हैंड टूल की मदद से, ये जो हैंड टूल आप देख रहे हैं इसकी शॉर्ट कमांड H है, और ये स्पेस की मदद से भी हम लोग पकड़ के मूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। पूरे के पूरा हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो हम लोग मूव कर सकते हैं। पहली साइड तो हम लोग इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड कंप्लीट करते हैं। स्पेस के साथ मैंने इसको मैंने क्या किया है, रिलीज कर लिया, राइट क्लिक करके रिलीज कर लिया। रिलीज किया तो ये पूरे की पूरी तस्वीर हमारी बाहर आ गई है। फिर हमने एक रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल की मदद से हमने यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल लगा के, और हमने क्या करना है, पिक टूल ले लेना है। पिक टूल की शार्ट कमांड यानी कि सिलेक्शन की शार्ट कमांड V है। इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो हमारे पास एक और साइज यानी कि जो है ना दूसरी साइड वो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज लगा लेंगे। एग्जैक्टली साइज आ गया है 3.5 बाई 2। एग्जैक्ट हम इसको भी हम लोग यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। अब स्पेस के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ और जूम जेड प्रेस करके ड्रैग करके मैं इसको यहाँ ले आता हूँ अपने पास करीब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। और मैं इसकी कॉपी कंट्रोल माइनस से मैंने जूम आउट किया सबसे पहले स्पेस के साथ साइड पे, और ये इसको रख के, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करके मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ताकि जब डिज़ाइन इसको मैं करूँ तो, और इसकी कम करने के बाद मैं एक आर्ट बोर्ड यहाँ से पकड़ूंगा, सिलेक्ट करूँगा, और इसी साइज के ऊपर मैं एक आर्ट बोर्ड जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैंने इसको, ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक है, पेपर, इसको हमने लॉक कर दिया, बिजनेस कार्ड को हमने लॉक कर दिया, ये साथ पड़ा हुआ है। इसमें हम आई ड्रॉपर यूज करके इसको कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जेड प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जूम ड्रैग करके मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कोई कलर ले लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने क्या किया है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको ये वाला टूल जो है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, पॉइंट पे शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लें इस साइड पे। जैसे ही करेंगे तो एग्जैक्ट जो है ना हमारा वो शेप हमारी यहाँ तक आ जाएगी। अब क्या करना है, मैंने ये जो ग्रीन है इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ, लॉक मैंने बताया हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, लॉक में कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, लॉक हो गया। अब स्पेस के साथ साइड पे जूम करूँगा थोड़ा सा और करीब, और मैं एक और रेक्टेंगल लूंगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको बराबर यहाँ तक। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन, ये डबल क्लिक, इसको शिफ्ट के साथ फिर से मैं पीछे कर लेता हूँ, जितना जहाँ बराबर करना है शिफ्ट के साथ मैं यहाँ बराबर कर रहा हूँ, और पिक टूल ले रहा हूँ और कंट्रोल माइनस, जूम आउट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको भी मैं फिल वक्त लॉक कर रहा हूँ। लॉक करने के बाद फिर जूम कर रहा हूँ, करीब लेके आ रहा हूँ, और एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक और रेक्टेंगल ले लिया जिसका कलर मैंने ब्लैक कर लिया। जूम आउट करता हूँ, मैंने जूम आउट कर लिया, ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं, यानी कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ तक मैंने तीनों चीज़ें ले ली। अब मैंने क्या करना है, सिंपल प्रोसेस, इन सबको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, सबको क्या कर रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ मैं। अनलॉक करने के बाद नीचे वाले को दोबारा मैं लॉक करता हूँ, नीचे वाला डिस्टर्ब ना हो। सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये रेड वाला है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ आई ड्रॉपर के साथ, आई ड्रॉपर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो आई ड्रॉपर कलर सेम हो जाएगा। फिर इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आई ड्रॉपर के साथ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा हमारा डार्क रेड हो जाएगा। तो हैंड टूल के साथ, ठीक है, मैंने पकड़ के इधर मूव कर लिया। अब पिक टूल के साथ ये वाला टूल जो है इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। इन दोनों के ऊपर कैसे लेके आना, अरेंज के अंदर, अरेंज ऑब्जेक्ट में, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। ये शॉर्ट कमांड भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब ये यूज़ करूँगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आएगा आप देखें, कंट्रोल माइनस, जूम आउट किया है मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक अनलॉक, अनलॉक करने के बाद इस नीचे वाले को मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ से क्या किया मैंने, हाइड किया, तो ये देखें ये वाले
ये जो बिजनेस कार्ड है और इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक रिलीज कर लेता हूँ। रिलीज करने के बाद आप देखें ये दोनों बिजनेस कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है ना बिजनेस कार्ड का, ये ऊपर वाले का यानी कि ये फ्रंट और नीचे वाले का बैकग्राउंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब देखें, अब हमने जो टूल पढ़ लिए हैं वो हमने पिक टूल पढ़ा है, सिलेक्शन टूल, फिर आगे साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद यहाँ हमने जूम टूल पढ़ा है, जितना भी जूम आपने करना हो, ड्रैग करना हो, जूम कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन होता है। ठीक है, और आगे हमने हैंड टूल पढ़ा है, यहाँ इसको हम मूव कर सकते हैं। अब इन टूल्स की आपने, और यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल टूल पढ़ा है, ये जितने भी टूल्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं आपने इनकी शॉर्ट कमांड भी याद कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जब मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो आपके लिए ये बिल्कुल आसानी आसान हो समझने के लिए। ठीक है, मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है, और पिक टूल ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेने के बाद, ठीक है, और यहाँ तक आज हमारा इतना ये प्रोसेस है, दोनों साइडें हमारी बिजनेस कार्ड की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इससे अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे कि ये जो टैक्स है ये कैसे हमने हैंडल करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग चैनल हमारा आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।